मैं तुम तरी से डालवा तो तुम बंदूक है या बता बोली बोलना सीखो तुम इन कौन सी पटो हो एम बी ए अच्छा फिर तो ठीक है मैं एम बी आए तो भी तुम बोलना तेन कर दे लै कर दे इलेक्शन के सर्वे चल रहे हैं लोकसभा के वोट बन रही तारी तीन मगी चलो हैं हाँ बन रही आज इधर इनको कंपनी दे एक बार आज सारे यहाँ आ जाओ चलो भाई भाई हनुमान वाटिका कैथल की पूछा गई बस स्टैंड पर जान लग रही छोरी बस स्टैंड पर जानते हुए अच्छा अच्छा बस तुम लिख दी तारी लिखा है लेकिन एक एक मिनट मारा जवाब दे दो किसको वोट करोगे मोदी जी को मोदी जी को बीजेपी अच्छा इसमें फर्क है कुछ बात में बीजेपी मोदी तो प्रेसिडेंट बनेंगे ना अच्छा 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 मोदी का देंगे पक्की बात और पक्की बोल सुन ले ना गिरे मजा आ रहा है मजा आ रहा है कितना भर रहा है भर तो रहा है अभी तो अभी अच्छा अच्छा तुम किसकी वोट बीजेपी मोदी सारी एक की पार्टी की सलाह कर रहे हो तुम तो हैं अच्छा राहुल गांधी में कितनी खूबी कोई खूबी नहीं है एक नंबर का अच्छा एक नंबर का क्यों कुछ तो खूबी होगी उससे अच्छे तो छोटे बच्चे ही ठीक है उसमें तो 1% भी नॉलेज नहीं है अच्छा और मोदी में क्या खूबी है मोदी में तो खूबी खूबी है जितनी गिनवाए वो इतनी कम है फिर भी कोई एक खूबी एक सबसे अच्छी जो है जो अब की जो मोदी के आने से जो भेदभाव हुआ है ना कम वो सबसे बेस्ट है भेदभाव कम हो सबसे ज्यादा कम और ये जो है जॉब मिली है सबसे ज्यादा जॉब मिली है हाँ जी हाँ हमें तो मिली नहीं है अच्छा नहीं उम्मीद है कुछ हाँ जी बिल्कुल बहुत उम्मीद है हाँ जी उम्मीद मतलब बढ़ गई है हाँ जी जिस तरह मतलब नौकरियां मिलने लग रही है हाँ जी बिल्कुल अच्छा तेरे कौन पेटा भर जाते हैं नौकरी लागे पास है हाँ जी नौकरी लागे पास है पेटा भर आएगा मतलब नहीं अच्छी है ये अच्छी है बहुत मोदी जी को थैंक यू बोल रहे हैं नाम और बता दे अमन शर्मा जी क्या नाम अमन शर्मा स्वाति राणा सीमा सुमन चलो बढ़िया है बहुत बहुत धन्यवाद कौन अच्छा लगा वोटी नहीं है सपोर्ट मर्द बनियों को नहीं सपोर्ट किसको करोगे मोदी ने तुम्हें जो या तो राहुल देगी तड़के फिर इसके साथ ही अच्छा यार राहुल राहुल को सपोर्ट करेगी राहुल की हाँ। अर्ज तू किसको सपोर्ट कराए मोदी क्या खूबी है बस बढ़िया बंदा राहुल मैं पता नहीं चलो हाँ बेटे भाई कैथल बस स्टैंड का सर्वे कर कान ला रहे थे लोकसभा का जो सुपर कान कोड़ा चल रहा है ये भाई आड़े बैठे थे हनुमान वाटिका में आवाज दे ली बोले हमारी भी सुन ले भाई माँ क्यूकर भाई बोले हम फेरी आड़े हैं घर घर में गांव गांव में जाकर कपड़ा कपड़ा बेचो नहीं कपड़ा काम करें भाई फेरी का काम करा है ये पीछे इनके भाई हवाई जहाज खड़े हैं और भाई ने पूछा क्या नाम भाई तेरा रमेश रमेश सुना दे भाई तू तेरे भीतर भी मैं वापसी थी तेने बोल दे लिया मेरे तय वापसी तो नहीं सर मैं 20-20 कोस लग फेरी करा अच्छा भाई और जिस तक कपड़ा देऊ नहीं उस तरीके नहीं यहाँ पूछो मैं वोट किसकी देंगे सारे जने मोदी का वोट देंगे पक्की बात है फर्क तो नहीं ना कोई फर्क नहीं मोदी का मतलब उसका बीजेपी का कार्यकर्ता तो ना ना बीजेपी का नहीं तक ना ना बीजेपी अच्छा। का नहीं ये मोदी की लहर है और मोदी की हर एक जना वोट सपोर्ट पूरी कर रहा है जैसे भाई ये बात है ठीक वैसे लहर तो है मोदी की ऊपर की ऊपर अच्छा। की है अच्छा अच्छा हाँ जी आप भी फिर हाँ जी मोदी के वोट हैं जी पूरे क्योंकि मोदी ने सारे देश के लिए काम अच्छा सोचा और देश का झंडा ऊंचा चढ़ाया दुश्मन को सबक सिखाया इसलिए मोदी की लहर है मोदी ने सके गोल का प्या दिया मोदी ने जो भी काम करे हैं जिमीदार के लिए लो व्यापारी के लिए ला लो देश का ऊंचा चढ़ाने के लिए ला लो तो एक रे कदम अच्छा उठाया पेटा भर रहा अच्छा भाई तुमने बात करी लुगाई कहाँ है मोदी की वोट देंगे मानस के कहें मानस भी मोदी का नहीं सारे अच्छा हाँ सारे छोटे मतलब सारे बच्चा बुढ़ा और जवान ये भी 18 से 28 बच्चे लग गए हैं बिना रिश्वत के कई दो तीन तो मेरे रिश्तेदार गरीब थे बिना पीछे लग गए हैं उस चीज का फर्क रहा फर्क रहा इसमें रिश्वतखोरी बहुत कम हो गई अच्छा। और आने वाले समय में ये मोदी अनिशा काम कर देगा एक भी रुपया रिश्वत का नहीं है कर्मचारी सीधा काम करेंगे भ्रष्टाचार बिल्कुल जीरो हो जाएगा जीरो जाएगा ये भी टाइम लग गया थोड़ा टाइम लग गया देश को सुधार थोड़ी कसर रह रही है ये दोबारा मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनागा नहीं सारा सौदा रिश्वतखोरी बंद हो जाएगी बिचौली अपन सारा हो जाएगा फिर मोदी जाए तो बोला जो भ्रष्ट है उन्हें मोदी से कष्ट है कष्ट है चलो बने रहो संसार क्रांति के लिए।